Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 5 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 29 पर। कोविड टेस्ट शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। बसवराज बम्बई का बड़ा बयान आते हो जहां पर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस मुक्त होगा कर्नाटक स्टेट। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त स्टेट होगा और कांग्रेस डूबते जा रही है और वो कर्नाटक में भी डूबेगी। बेंगलुरु के बीजेपी ऑफिस में उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के आए तब उन्होंने अपनी इस ओपिनियन को बाहर लाया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने के बाद कर्नाटक के अंदर ही पार्टी का जो मोमेंटम है, जो मोराल है, वो बूस्ट हो चुका है और यहाँ से और ये पार्टी स्ट्रांग होगी। उसके बाद हम कंटिन्यूसली आपको एक छोटी बता रहे हैं जहां पर स्टूडेंट बुशरा मतीन जो कि मेडल्स रिसीव करने वाली थी VTU के अंदर, उनका कॉन्विकेशन डे आज हुआ और उन्होंने 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं जो कि VTU के अंदर एक रिकॉर्ड बन चुका है। यहां रायचूर के बुशरा मतीन ने लाइमलाइट ले ली है 21वें एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ VTU ज्ञान संगमा जो कि थर्सडे के दिन ऑर्गेनाइज हुआ था। बुशरा मतीन एक स्टूडेंट है SNN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, जहां पर BCIVIL वो प्रस्तुत करी हैं। इससे पहले उन्होंने द गोल्डन गर्ल बुशरा मतीन को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी तारीफ की है और गवर्नर गहलोत जी ने भी की है और हायर एजुकेशन मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण के अलावा देश विदेश से कई सारे लोगों ने बुशरा मतीन की इस अचीवमेंट को सराहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम और डॉक्टर गणपत जी शिंदे जी के लिए, जहां पर दरवेश कमेटी ने ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। यहां ह्यूमन राइट्स नेशनल इंटरनेशनल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर गणपत जी। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट नरेश जी ने काफ़ी अच्छी तरह से बयान दिया और उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उन्होंने साथ साथ नरेश जी ने हिजाब को चलते हुए इश्यूज पर कितना पॉलिटिसाइज लोग कर रहे हैं और आम जनता की आवाज़ किस तरह से उठानी है वो बताया। उन्होंने कहा कि दरगाह से लेकर DC ऑफिस तक आम जनता की आवाज़ अब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। इस मौके पर जनाब मकबूल शाह यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ दरवेश कमेटी के सभी मेंबर्स और आसपास के सोशल वर्कर्स और सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने गणपत जी को फेलिसिटेट किया। हिजाब का मसला हुआ, मैं हजार लोगों के अंदर जो लड़की अपने ईमान से, अपने धर्म के लिए, अपने शौर से अकेली लड़की अपनी कौम की आवाज जो उठाई उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मुसलमान भाई, आज उनका एजुकेशन देखिए क्या है, आज उनके घर देखिए क्या है, अरे उनकी परिस्थिति क्या है देखिए, इसके ऊपर कोई नजर नहीं डालता है। मुझे MLA बनना है, मुझे MP बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, अरे शर्म करो, पास सबसे पहले इंसानियत की बात करो। ये देश किसके बाप का नहीं, जितने हिंदुस्तानी उनके बाप का है। और सरकार जाती है सरकार आती है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ रहेंगे, ये जमीन हमारी है, किसके बाप की नहीं है। और इसी के साथ खाजा बंदी नवाब दरगाह में ठहर के, शरण बसवेश्वर की पुण्य भूमि में ठहर के आवाज उठाने के लिए हम आए हैं, आपका साथ हमको चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। इस माहौल पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आते हैं। संत कबीरदास ने बोला है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौगड़ा पानी, ऋतु बिना फल न भए। इस तालकात पे मुझे जो आज अपने ये हमारे मकबूल भाई जो दरवेश कमेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्गा ओर से मुझे सम्मान किया, मैं मेरे दिल से बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार करूँ, शुक्र अदा करता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, उनका बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मैं मकबूल दरवेश कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ये जो है ना हमारे ह्यूमन राइट्स के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और जो अब जो चल रहा है, यानी कि किसी का हक किसी को नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट तो समझ रही है ये पॉलिटिक्स के लोग जो कानून जो है ना कानून की आँखों पे पट्टी है, ये पट्टी है तो कानून अंधा है समझ रही, लेकिन अंधा नहीं है कानून, उसकी आँखों पे पट्टी इसलिए कि गोरा काला ये जात पात नहीं देखना बोलकर उसके आगे पट्टी है, ये पट्टी निकालने वाले जो है ना ये काम करने के से आए हुए हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं वार्ड नंबर 19 के सोशल वर्कर जनाब जिलान साहब ने वहाँ पर कई सारे मच्छरों की वजह से जो लोगों को तकलीफ हो रही है उस पर फॉगिंग की। जी हाँ, इसके अंदर अलग अलग एरियाज़ को उन्होंने कवर किया, जहाँ पर मरकज़ का एरिया आ रहा है, चौकी मस्जिद के आसपास का एरिया आ रहा है, नारोना गली आ रही है, पेशमाम गली आ रही है, और ऐसे ढेर सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये फॉगिंग की और लोगों को काफ़ी राहत भी मिली इससे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दरगाह एरिया में रोड और नाली का काम चालू हुआ है। नाली जाम होकर और पानी ठहरने से वार्ड नंबर 19 में मच्छर का प्रॉब्लम बढ़ गया। चौकी मस्जिद के आसपास, मरकज मस्जिद के आसपास, नरोना गली, पेशवाम गली, नूरबाग के आसपास आज फॉगिंग किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से ऑफिसर्स और लेबर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी खिदमत करेगी। खुदा हाफिज। दरगाह एरिया में रोड और नाली का काम चालू हुआ है, पानी जाम होने की वजह से वार्ड नंबर 19 नरोना गली में मच्छर का प्रॉब्लम हो गया। पेशम गली और नरोना गली, तिकोना हकीम, नूरबाग चौकी मस्जिद के आसपास और मरकज मस्जिद के आसपास आज फॉगिंग किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से ऑफिसर्स और लेबर का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज के थॉट ऑफ द डे में हम बात करें, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस। जहां पर आप मैं बोलते हैं या फिर आई बोलते हैं वहां पर ईगो आ जाता है। जहां पर आप आई की जगह वी बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो इलनेस जैसे बीमारी अगर हम कहते हैं तो वो वेलनेस से बदल जाती है। तो आप याद रखिए, कभी भी आप किसी से बात करें हो तो आप वी कहें, ताकि एक यूनिटी भी रहेगी और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। डेली प्रोटीन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश।